साल 2022 ऐसे भी बॉलीवुड वालों के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस साल रिलीज हुई अधिकतर फिल्म मुंह की गिर पड़ी है। ऐसे में कभी बाइकॉट तो कभी नेपोटिज्म की आंधी तेज हो जाती है, जिसे लेकर आने वाली फिल्म बनाने वाले काफी डरे हुए हैं। कई लोग तो बाइकॉट के डर से फिल्मों को OTT पर रिलीज कर रहे हैं। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्म के कारण मेकर्स अब पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में शक्ति कपूर के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। शक्ति कपूर ने खुलासा किया है कि कैसे उनकी बेटी श्रद्धा कपूर और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को मनोरंजन इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। इस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने कहा। मुझे कहना होगा कि अगर आप जीवन में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकते हैं। वास्तव में हमारी बेटियां अनन्या और श्रद्धा फिल्म उद्योग में लोकप्रिय चेहरा बन गई है अपनी मेहनत और संघर्ष से। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो चंकी पांडे और शक्ति की बेटियां हैं। रेमो मेरे बाजू में बैठे हैं और वो जानते हैं कि फिल्म ABCD2 करना किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने इसे कर दिखाया। मुझे याद है वो अपने पैरों में चोट और खरोच लेकर घर लौटती थी और कई घंटों तक रिहर्सल करने के बाद उसकी पीठ में दर्द होने लगती थी। तो जाहिर है कि उसने अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत की है और स्टारडम और सम्मान कमाया है। आलिया और दूसरी हीरोइन की तरह श्रद्धा को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितना उसे मिलनी चाहिए थी, और न ही श्रद्धा ने कोई ऐसा चैलेंजेज रोल भी किया है। अनन्या की फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ऐसा यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड बॉयकॉट के चलते सिमटते जा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।